तादाद में यहाँ जमा है। हम यहाँ पर इसलिए जमा है आज क्योंकि हम NPR, NRC और CAA ऐसे सारे कानून को हम अपोज करते हैं जो हमारे ख़िलाफ़ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और हम सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ हैं, हम सब भीम आर्मी के साथ हैं, और जो हमारे साथ और दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में और जो बांटने की कोशिश हो रही है हिंदू मुसलमान को, हम सब उसके साथ हैं। और यहाँ पर हम जमा होते रहेंगे। अब आज ज़माना ऐसा आ गया है कि सिर्फ हमारे भाई नहीं, हमारी बहनें बाहर निकल कर गई हैं सड़कों पर, हम बच्चों को घर में छोड़ के निकल के आ गए हैं आज सड़कों पर, और दिन रात हम लगे हुए रहेंगे प्रोटेस्ट में जब तक कि हमको ये सरकार हमारी ये वापस ना ले ले NPR और NRC और CAA। और काफ़ी युवा सड़कों पे उतर आए हैं और हम देख सकते हैं झारखंड में जो हाल हुआ, हम देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े लीडर अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, PM साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे मालूम होता है कि युवा की ताकत क्या है। आज जब युवा सड़कों पर उतर आ जाएंगे तो बड़े बड़े तख्त हिल जाएंगे, बड़े बड़े शहनशाहों की कुर्सियां उलट जाएंगी, और हम लेडीज़ बाहर निकल के आए हैं। तो आप सोचिए जब पूरे पूरे लेडीज़ इंडिया के बाहर निकल के आगे बैठ जाएंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शर्म से उनका सर नीचे झुक जाएगा पूरी दुनिया में कि आज 2000 औरतें धरना देकर बैठी हुई है वहाँ पर दिल्ली में, और इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। UP में आप घुसकर घरों को जलाया है आप लोगों ने, ex MP के गाड़ियों को जला दिया, क्या किया था उनके मासूम घोड़ों को तक नहीं छोड़ा, उनके घोड़ों की मार मार के हड्डियां तोड़ दी। तो ये उत्पीड़न नहीं चलेगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई, और हमेशा हम भाई भाई बन के ही रहेंगे। हम अपने देश को मेहनत करके आगे लेके जाएंगे, और हमको डिवाइड मत करिए। आपकी GDP जा रही है 4.5% हो गई है, देश की पिछले 40 साल में हालत नहीं हुई थी, आज जो हालत है। आप इम्पोर्ट देख लीजिए, आप टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, हर चीज़, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज देख लीजिए, आपको उससे मालूम होता है कि देश किधर जा रहा है। और असल मुद्दों को छुपाने के लिए आप आग लगाकर धुआं उड़ा रहे हैं और असल मुद्दों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मोदी जी, नहीं नहीं चलेगा ये सब। आज युवा जाग उठे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे CM KCR जो काफ़ी सेक्युलर है, और उन्होंने वॉइस किया था ओपिनियन बहुत पहले कि वो कभी आने नहीं देंगे यहाँ पर NRC, लेकिन आज वक्त है कि उनको फिर से बोलना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। और हमारे KTR अन्ना को हमारी गुजारिश है, हम सब बहनों की गुजारिश है कि प्लीज़ आगे आइए और हमारे लड़िए, हमारे हक के लिए लड़िए। जैसा वहाँ पर हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोला है कि जब तक मैं यहाँ हूँ हमारी किसी बहन को कुछ हो नहीं सकता, जामिया में जो हुआ बहनों के साथ मैं फिर होने नहीं दूंगा, उसी तरह KTR भाई को भी बोलना चाहिए हमारे लिए। असद भाई तो बोल रहे हैं लेकिन KTR भाई को बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग हैदराबाद के खवातीन ईदगाह मीरालम ईदगाह के पास इसलिए जमा हुए हैं कि NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ हमारा एहतजाज दर्ज कराने के लिए आए। हम इसको सख्त नाराज़ है, नापसंद करते हैं, इसको हम रिवोक करने के लिए हम लोग अपील करते हैं। KCR जी को चाहिए कि फ़ौरन ही NPR को रोकने का ऐलान करें कि, और आप हमारे साथ जैसा ममता दी प्रोटेस्ट में आए थे, हमारे साथ आइए और अपना वो इतराज़ बताइए कि हम खवातीन का आज पहला एहतजाज का मुजाहरा हम करने आए हैं, आज से शुरू है, और जब तक रिवोक नहीं होगा हम इस तरह के एहतजाज हर महल्ले में, हर कूचे में, हर गली में बार बार करते रहेंगे। ये हमारा आज का ऐलान है, इस मंच से हम ऐलान कर रहे हैं। अमित शाह जी एक बात बोलते हैं, मोदी जी और एक बात बोलते हैं, हाँ कहते हैं कुछ ना कहते हैं, दोनों पहले बैठ के आपस में तय कर लो तो आपको इंडिया को क्या करना चाहिए। लेकिन हम आवाम चाहते हैं कि सेकुलर कंट्री में हर किसी को एक जैसा राइट है, एक जैसा जीने का हक है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए देख सकते हैं आप पूरा देश भर में युवा आगे आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तहत नहीं है, हर एक का, हर आवाम का, हर एक नागरिक का दिल की आवाज़ है कि ये बिल में किसी का फ़ायदा नहीं है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गलतियों को छुपाने के लिए, कि इकोनॉमिकल डिज़ास्टर को छुपाने के लिए एक चीज़ हमारे सामने लेके आए हैं, यह हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी को लपेटना होगा, रख देना होगा ताकों पर, कि हम यहाँ सेकुलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने वैल्यूज़ को बरकरार रखने के लिए अपने जान तक दे सकते हैं, फ्रीडम फाइट करके फ्रीडम हम ला सकते हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए फिर दोबारा जान दे सकते हैं, हम खवातीन भी जान दे सकते हैं। इसी बात
आवाज़ का ये तकलीफ से इसी बात के पैगाम से जो है ना हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पूरा शुरुआत है, मैं बार बार कह रही हूँ शुरुआत है कि चाहे कितने भी जाने चले जाओ इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन ऑफ हैदराबाद आई एम टेलिंग, आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम गिविंग ए स्टेटमेंट दैट वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।